आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि वो हर काम बखूबी करते हैं, चाहे दंगल में पहलवान दिखने के लिए वजन बढ़ाना हो या फिर 50 की उम्र में कॉलेज बॉय लगना हो, वह हर रोल बखूबी करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है फिल्म गुलाम की शूटिंग के वक्त का, जब एक सीन को परफेक्ट तरीके से शूट करने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी थी। इस सीन में मौत आमिर खान को छूकर निकल गई थी। वो सीन था गुलाम मूवी का। इस ट्रेन वाले स्टंट सीन को आमिर ने खुद शूट किया था। इसमें आमिर खान को एक और एक्टर दीपक तिजोरी के साथ ट्रेन के सामने दौड़ते हुए ट्रैक से बाहर कूदना था। इस स्टंट की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया था। इसके बारे में खुद आमिर ने पूजा बेदी के शो में कहा था कि ये बहुत ही रिस्की था और उन्हें ये स्टंट नहीं करना चाहिए था। कहते हैं कि इस सीन को मेकर्स एक स्टंटमैन से कराना चाहते थे, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने इस सीन को खुद करने का जोर दिया। उन्होंने विक्रम भट्ट को भी किसी तरह इसके लिए राजी कर लिया। सीन रात का था और रेलवे लाइन पर शूट होना था। कैमरा रोल हो चुका था और एक्शन भी बोला जा चुका था। जब ट्रेन आमिर की तरफ तेजी से आ रही थी, आमिर रेल की तरफ भाग रहे थे। इस सीन में आमिर ने जितनी स्पीड सोची थी उससे ज्यादा तेज रेल आ रही थी। ट्रेन और आमिर खान के बीच की दूरी बेहद कम रह गई थी, तभी आमिर खान ने इस तेज रफ्तार ट्रेन के आगे से छलांग लगा दी। बताया जाता है कि अगर आमिर की इस छलांग में 2 सेकंड की भी देरी हो जाती तो ट्रेन टकरा जाती। फिल्म के 25 साल पूरा होने पर बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इंटरव्यू में दीपक तिजोरी ने ये व्याख्या याद करते हुए कहा कि वो दोनों उस वक्त सहम गए थे, क्योंकि ट्रेन मोटरमैन ने उनसे कहा था, देखो मेरे पास ऐसा ब्रेक नहीं होता है, तुम लोग ये मत सोचना कि मैं मेन ब्रेक मारूंगा और गाड़ी रुक जाएगी, तुम लोग प्लीज दूरी रखना, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। दीपक ने आगे बताया कि आमिर और मैं ये बात सुनकर सहम गए थे, हमने एक दूसरे को डर से देखते हुए सोचा ओ माय गॉड। हालांकि ये सीन अच्छे से शूट हो गया और इस स्टंट सीन की खूब तारीफ भी हुई। साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म गुलाम में आमिर खान और रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिका अदा की थी। रिलीज के बाद फिल्म ने युवाओं को अपना दीवाना बना दिया।